सो ये मेरा चौथा व्लॉग है और सुबह सुबह का समय है। मैं यहाँ छत पे घूम रहा हूँ, धूप खिला हुआ है और बहुत ही बढ़िया वेदर कंडीशन है यहाँ पे। नॉर्थ में तो शीतलहरी चल रही है। अभी अभी मम्मी से बात हुआ घर पे, बेतिया, वो बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा ठंड है अभी, बट यहाँ पे एकदम धूप खिला हुआ है, आप देख सकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैं एक्सरसाइज कर रहा था और उसके बाद मम्मी ने बोला कि अब चाय पी लीजिए आके, तो मैं नीचे जा रहा था तो पापा ने बोला चाय ऊपर लेके आने के लिए, तो मम्मी ने चाय ला के दिया, हमने दोनों ने चाय पिया। और यहाँ पे अभी हल्की हल्की हवा भी चल रही है तो एक प्लेजेंट वाली फीलिंग है, ना ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंड, तो अच्छा लग रहा है। रांची में का मौसम बहुत अच्छा होता है। पापा यहाँ गार्डनिंग कर रहे हैं, पापा को गार्डनिंग बहुत पसंद है तो और इनसे क्या होता है कि इनकी इनका सेहत भी अच्छा रहता है। गार्डनिंग एक अच्छी एक्सरसाइज भी है। सैटरडे है तो पापा का छुट्टी रहता है, तो आज एक छुट्टी के दिन एक अच्छा मौका रहता है ये सब करने का, और इससे फिज़िकल एक्सरसाइज भी हो जाती है। अभी मैं वॉकिंग कर रहा था तो मनीषा का कॉल आया कि आप जल्दी नीचे आ जाइए, वो तैयार हो चुकी है, हमें आज शॉपिंग के लिए जाना है। मेरी कज़न बहन की शादी है दिल्ली में जनवरी में, तो हमें उसके लिए कुछ कपड़े लेने हैं, तो आप जल्दी आ जाइए नहीं तो लेट हो जाएगा। फिर कल फिर कुछ और डिफरेंट प्लान है, तो अब मैं नीचे जाता हूँ और फिर तैयार हो रेडी होके ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग शॉपिंग के लिए निकलेंगे। यहाँ पे पापा ने रूफ टॉप गार्डनिंग कर रखी है, तो उससे क्या है कि रूफ़ का यूटिलाइजेशन भी हो गया प्रॉपर, जो स्पेस था, और सुंदर भी लगता है, प्लांट्स लगे रहते हैं तो अच्छा लगता है, और कभी आप कुर्सी लगा के बैठ सकते हैं बगल में, तो हवा भी अच्छी आती है यहाँ से, शुद्ध हवा मिलती है, तो ये हेल्थ के लिए भी बढ़िया है। तो कभी आप छत पे चेयर लगा के बैठते हैं तो एक अच्छा भी लगता है और फ्रेश एयर भी मिल जाता है आपको, और आज के डेट में फ्रेश एयर तो बहुत ज़रूरी है इस पॉल्यूटेड माहौल में, तो ये ऑल इन ऑल बहुत अच्छा है। मनीषा के रांची के घर से रूफ टॉप से व्यू बहुत सुंदर है, और अभी यहाँ पे ज़्यादा घर नहीं बने हुए हैं, मोस्टली प्लॉट्स खाली हैं, बट प्लॉटिंग हो चुकी है, अब कुछ दिन में तो घर बन ही जाएगा। मनीषा बताती है कि जब उसका घर बना था तो बहुत ही कम घर थे, और कुछ पहले घरों में मनीषा का घर बना था, तो अभी तो बहुत सारे घर आ गए हैं लेकिन अभी भी बहुत प्लॉट्स खाली हैं, तो आने वाले समय में सारे प्लॉट्स तो घर में तब्दील हो ही जाएंगे। अभी पापा की भी गार्डनिंग ख़त्म हो गई है, पापा नीचे चले गए हैं, और मनीषा का भी कॉल बार बार आ रहा है कि नीचे जल्दी आइए, तो अब मैं नीचे चलता हूँ। अब एक्सरसाइज हो गया है, पापा की गार्डनिंग भी हो गई है, तो अब धूप भी निकल रहा है, थोड़ी गर्मी बढ़ती जा रही है, तो अब नीचे जाता हूँ। मैंने नहा लिया है और अब ब्रेकफास्ट करके और मैं और मनीषा निकलेंगे शॉपिंग के लिए। एक सुबह रांची के घर की, मम्मी पूजा कर रही हैं, तो अभी मम्मी के पास चलते हैं। दीनन की लाज रखो संभो सुख वारी, काम न को पूरा करो जग बलिहारी। ये मम्मी का किचन है, मम्मी अभी नाश्ते की तैयारी कर रही हैं। सुबह सुबह तो सबके घर में लेडीज़ मोस्टली बिज़ी होती है, वैसे हमारी मम्मी भी बिज़ी हैं, और मम्मी अभी बना रही हैं केले की सब्ज़ी, और इधर चावल चढ़ा हुआ है, तो ये डेली डे टू डे लाइफ जो लोगों की होती है उसमें लेडीज़ को तो सुबह सुबह किचन ही होता है, तो हमारे मम्मी भी किचन में बिज़ी हैं। तो ये मम्मी की कुकिंग चालू है। मम्मी क्या क्या नाश्ते में बना रही हैं अभी? नाश्ते में बना रहे हैं केला का मतलब भुजिया, आलू बैगन भरता, सत्तू वाला पराठा पूरी, और एक आलू गोभी मटर की सब्जी।
क्या बात है, इतना सारा मेन्यू में आज। अलीशा उठ चुकी है, ये देखिए। हाँ हाँ हाँ, मम्मी को परेशान करने आ गई। मम्मी तो परेशान ही करना जानती है। यार देर लेट हुआ है, 2 बजे तक नाश्ता नहीं। ये देवराज की सुबह, क्या कर रहे हो देवराज? कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे हुए हैं, फोन देख रहे हैं, टाइम पास। ये हमारा मॉर्निंग मेडिसिन है, फोन चलाना। सुबह सुबह उठ के बिना फोन के दिन नहीं होती है शुरू। ये मैंने इनसे सीखा। किन से? इनसे, अलीशा दी से। अलीशा दी हमेशा सुबह सुबह फोन चलाती तो उनको दे देती थी, बाबू तुम भी सब सीखो। थैंक यू दीदी। काम, मैं तो काम करती थी, ये क्या कर रहा है बकवास। हम अपनी दीदी का पैसा उड़ा रहे हैं। दीदी का पैसा कमा क्या रही है और हमको खिला रही है। हाँ, पेड़ के नीचे ना। हाँ जाती है दीदी, कहाँ कहाँ? 4000 का बाल नहीं कटवाई हूँ, 4000 का स्पा करवाई। क्या बोल रही हो? स्पा होता है मम्मी, स्पा भी नहीं होता है। तो क्या कर? देवराज और पापा भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हम देवराज और पापा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। लिट्टी बना, लिट्टी चोखा खा रहे हैं। ब्रेकफास्ट हो गया है, मनीषा ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। हम लोग चाय पी के निकलेंगे, मनीषा चाय बना रही है। एक्चुअली अभी दिन से प्लान था बाहर जाने का, बट कुछ लोग आ गए थे, आंटी, बगल वाली आंटी आ गई थी, इसलिए हम शादी के बाद पहली बार आए, तो हमसे मिलने आई थी, इसलिए हम जा नहीं पाए हैं शॉपिंग के लिए। तो अभी हम निकल रहे हैं, अभी हम चारों लोग निकल रहे हैं, देवराज, मैं, अलीशा और मनीषा, हम चारों लोग शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं। तो देर हो गई है थोड़ी। एक्चुअली हम शॉपिंग करने जाना था, तो बीच में अलीशा ने बोला कि उसे एक ड्राई क्लीन पर रुकना है, उसका ऑफिस का एक कोई कोट है, उसे ड्राई क्लीन कराने के लिए देना है। तो अलीशा अभी ड्राई क्लीन में गई है, ये पीछे हमारे ड्राई क्लीनर्स है, और फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे यहाँ से निकलेंगे तो शॉपिंग करेंगे। और रास्ते में फिर प्लान हुआ कि मोमोज़ खा लेते, तो कोई एक क्या नाम था मोमोज़, दुर्गा मोमोज़, जो यहाँ के बहुत फेमस मोमोज़ है, वहाँ से फिर हुआ कि मोमोज़ खा लेते हैं, तो फिर हम मोमोज़ भी खाएँगे वहाँ से, और फिर शॉपिंग के लिए हम लोग निकलेंगे। तो अभी देखते हैं, इसके बाद अलीशा को एक बार आ जाती है, तो उसके बाद फिर या तो मोमोज़ खाएंगे या फिर हम लोग पहले शॉपिंग कर लेंगे फिर मोमोज़ खाने आएंगे। ये दुर्गा मोमोज़ कैफ़े है, इसी की बात देवराज कर रहा था। यहीं से देवराज और अलीशा अंदर गए हैं मोमोज़ लेने के लिए। ये कॉलेज में जब बच्चे पढ़ते हैं, हम भी कॉलेज में पढ़ते थे, तो ऐसे ही छोटे छोटे कैफ़े हम जाते थे, हाँ, तो यहाँ आके वो एक यादें ताज़ा हो गई मेरी। तो अलीशा मोमोज़ लेके आई है, एक चिकन तंदूरी मोमोज़ है और एक स्टीम्ड मोमोज़ है, और मनीषा सूप पी रही है। पहली बार मैंने दुर्गा मोमोज़ से मोमो टेस्ट किया है, और गारंटीड ये बहुत बढ़िया मोमोज़ है। अलीशा का रिकमेंडेशन था कि दुर्गा मोमो से मोमोज़ खाते हैं, ऑसम मोमोज़ है, मतलब मैं फ़ैन हो गया यहाँ का। और अलीशा का एक और रिकमेंडेशन, समोसा चाट, एक यहाँ पे दुकान है वहाँ से, तो देवराज अभी जाके समोसा चाट लेके आया है। हमने एक ही मंगाया था कि अब ये बहुत सारा खाना है, और ये 4 चम्मच एक समोसा चाट, और हम 4 लोग। फाइनली हमारे ढुस्का का वेट इस रेस्टोरेंट पे जाके ख़त्म हुआ है, जिसका चैप्टर बैंगलोर से चला आ रहा है। ये भी देते हैं क्या? और ये चटनी के साथ ढुस्का में मिलता है। फाइनली ढुस्का मिल गया है, और हम ढुस्का खाने वाले। 3 प्लेट ऑर्डर किया हमने ढुस्का, जो बैंगलोर से चला आ रहा है, और फाइनली हमें मिल गया है, अब हम खाने वाले हैं 3 प्लेट ढुस्का। फाइनली मेरे हस्बैंड को ढुस्का मिल गया, ये देखिए कैसे खाते हुए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, नाक बुढ़ा बुढ़ा के खा रहे इसके अंदर। और ले लीजिए, खाइए खाइए। हाँ ये देखिए मेरी साली को भी, कैसा लग रहा है? एक और लेने जा रहे हैं। अच्छा आप बताइए क्या टेस्ट है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। फाइनली जो वेट था जो पूरा हुआ, और बहुत अच्छे से पूरा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, ये टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सक्सेस हो गया, सक्सेस हो गया। फाइनली हम लोग GL चर्च कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं, यहाँ पे अब शॉपिंग हमारा स्टार्ट होगा। हम लोग बाटा में एंटर कर रहे हैं अभी।
हम लोग लेडीज सेक्शन में जा रहे हैं बाटा के, नीचे अभी जेंट्स सेक्शन में हमने देखा, बट अभी मनीषा के लिए लेना है तो सबसे पहले हम लोग लेडीज सेक्शन जा रहे हैं, देखते हैं मनीषा को कुछ पसंद आता है कि नहीं। स्लीपर्स के लिए मेरे को ये अच्छा लग रहा है। अच्छा मनीषा तुमको कैसा लग रहा है? अरे ट्राई करते हैं पहन के देखते हैं। तो मनीषा को एक स्लीपर पसंद आया है, मनीषा उसे ट्राई कर रही है। मनीषा एक दूसरा स्लीपर ट्राई कर रही है। लग रहा है ये मनीषा को पसंद आ रहा है। मनीषा ट्राई करो। फिटिंग तो सही आ रहा है लग रहा है। हाँ। कलर भी अच्छा है इसका। हाँ। तुमको कलर कैसा लगा देखो? तुमको कलर मनीषा ने स्लीपर को डन किया। मनीषा अपना स्लीपर उठाओ। फाइनली मनीषा का स्लीपर खरीदा गया। वो भी बाटा। थैंक यू। मैं जो बोलती हूँ वो मेरे हस्बैंड खरीद देते हैं। थैंक यू सो मच। मनीषा का स्लीपर खरीदा गया है। अब हम पापा के लिए जैकेट और स्वेटर देखने चल रहे हैं। किसी ने बताया कि यहाँ पर बिग शॉप करके कोई शॉप है, वहाँ पे आपको अपना साइज़ मिल जाएगा। पापा के लिए स्मॉल चाहिए तो अब हम वहाँ जा रहे हैं बिग शॉप। तो हमने एक पापा के लिए स्वेटर लिया है, बाकी हम साइज़ का वेट कर रहे हैं। मनीषा का भी साइज़ नहीं आया, मनीषा को ओवरकोट चाहिए था जो हमें मिल नहीं पाया, तो फिर से ट्राई करेंगे। बट पापा के लिए एक स्वेटर ले लिया है तो कम से कम एक चीज़ हुआ, और मनीषा के लिए स्लीपर लिया है तो दो चीज़ हुआ है, बाकी हम कल देखेंगे। तो पापा के स्वेटर का बिलिंग मैंने करा लिया है, अब काउंटर पे जाके मैं स्वेटर रिसीव करूँगा। मैं काउंटर पे आ गया, अब बिल देकर स्वेटर रिसीव करूँगा मैं। अंकल स्वेटर दे रहे हैं। ये मैंने पापा के लिए स्वेटर लिया है। मनीषा को एक पसंद आया है, मनीषा ट्राई करो। कैसा लग रहा तुमको कलर? कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया। अच्छा सही से करो, सब पे चल जाएगा। तो हम शादी के लिए जो सोच रहे थे वो हमें मिल गया, तो इसको हम डन करते हैं। ओके मनीषा। ओके डन। तो मनीषा का फाइनली ओवरकोट का बिलिंग हो गया, जो हमें चाहिए था मनीषा के लिए वो मिल गया। हर मनीषा यहाँ पे अब डिलीवरी ले रही है। थैंक यू सो मच। फाइनली हमारी शॉपिंग ख़त्म हो गई है और अलीशा और देवराज कहीं और किसी एक और शॉप में गए हुए हैं, उन्हें कुछ और लेना था, तो मैं और मनीषा यहाँ खड़े हैं बाहर। तो आज क्या क्या शॉपिंग हो गया मनीषा हम लोग का? पहले मैं बाटा गई, बाटा से मैंने स्लीपर लिया क्योंकि मेरे को बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद बिग शॉप गए, बिग शॉप से पापा के लिए एक स्वेटर लिया। फिर उसके बाद नोवेल्टी गए, नोवेल्टी से मैंने अपना ओवरकोट लिया जो कि मेरे को बहुत पसंद आया। हमने ओवरकोट दूसरे बिग शॉप में भी देखा लेकिन उसमें साइज़ नहीं था, उसमें साइज़ नहीं था और उस पर और जैकेट भी लेने का कोई मतलब नहीं था, हमें लेना ओवरकोट ही था। तो फिर हम नोवेल्टी आए और नोवेल्टी में हमें ओवरकोट और साइज़ में ओवरकोट मिल गया, हमने वहाँ से परचेज कर लिया। हमने ऐसा कलर लिया कि जो सब पे चल जाए। तो मनीषा बहुत खुश है आज के शॉपिंग से। अब बाकी अगर कुछ बाकी रह गया तो पर कर लेंगे हम लोग। हमारी शॉपिंग ओवर ही और फाइनली हम देवराज से काठी कबाब में बैठे हैं। देवराज कैसा फील हो रहा है? बैठ के तो अच्छा फील हो रहा है, अभी बार आ जाए तो खा के बताएंगे कैसा है सच में, अब टू द मार्क है या फिर। लेकिन फाइनली काठी कबाब तो आया है ना, बैठ के मिशन सक्सेसफुल। मिशन सक्सेसफुल, तो हमारे शॉपिंग का भी मिशन सक्सेसफुल रहा और हमारे खाने का भी मिशन सक्सेसफुल रहा। और रास्ते में हमने मोमोज खाया, समोसा चाट खाए और अब तीसरा अरे तीसरा डुस्का खाया और चौथा हम काठी कबाब में बैठे हुए। तो थैंक्स टू दिस लेडी। देवराज और अलीशा ने ऑर्डर किया था चिकन हॉट एंड स्टार सूप, तो ये आ गया है और दोनों एंजॉय कर रहे हैं और हम बैठ के इन्हें देख रहे हैं। चिकन तंदूरी का वेट कर रहे हैं। लग रहा हमारा भी कुछ आया है, चिकन तंदूरी इज हियर।
हमारा ऑर्डर आ चुका था और हम खाने भी लगे थे, फिर अचानक से मनीषा ने याद दिलाया कि अभी तक आपने व्लॉग नहीं बनाया है, तो हम बीच खाते हुए खाने के बीच में मैं फिर से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो हमने ऑर्डर दिया था पहले चिकन बिरयानी का, तंदूरी रोटी का और नान का, और चिकन में हमने दिया था चिकन जिंजर, और फिर से चिकन जब घट गया तो हमने ऑर्डर दिया चिकन कढ़ाई का, चिकन दो प्याज़ा का। तो ये हमारा ऑर्डर है आज का, और ये अच्छा टेस्ट यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आ रहा है। तो यहाँ हमारा डिनर संपन्न हुआ और सब लोग खुश है कि चिकन बहुत अच्छा था। जो देखेगा यहाँ पे बिल कौन पे करेगा वो कंपटीशन है, हमें पता है कि कंपटीशन हो रहा है, लेकिन बिल लास्ट में जीजू ही पे करेंगे जो कि मैं, ठीक है। तो खाना सबको बढ़िया लगा था, हेल्प करते हैं आपको बताने में कितना लगा। ये देखिए हाँ लगा दीजिए ना, ₹1535 का फटका लगा, लेकिन खाना अच्छा था तो भूल जाएगी। यहाँ लगा 1535 यहाँ लगा। अब हम लोग डिनर कर लिए, अब हम लोग घर जा रहे हैं। घर पर मम्मी वेट भी कर रही थी, कॉल आया था तो उन्होंने कब तक आओगे, हम गेट खुला हुआ है, उन्हें भी सोना है, तो हमने बोला कि बस अब खा ली है, अब तुरंत आते हैं, जल्दी आते हैं। हम डिनर करके लौट रहे थे तो बगल से हम चर्च से गुजर रहे थे, तो अलीशा और मनीषा ने बोला कि आज 24 है तो हम लोग चर्च विज़िट करते हैं। तो सडन प्लान था, ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट हम चर्च आए और हम पूरे प्रेयर में हम रुके और प्रेयर हमने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैंने लाइफ में क्रिसमस प्रेयर अटेंड किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा, और यही तो इंडिया की खूबी है, ये इंडिया ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सारे रिलीजन एक साथ हंसी और खुशी से रहते हैं, और ये इंडिया का ग्रेटनेस है, और हम थैंकफुल हैं हम ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ सारे रिलीजन एक ही तरीके से पूजे जाते हैं।